देर इज अ लिंक कॉल्ड फाइलम हेमिकॉर्डेटा. हेमिकॉर्डेटा एक लिंक है जो कि नॉन कॉर्डेट्स को कॉर्डेट्स के साथ लिंक करता है, विच मीन्स फाइलम हेमिकॉर्डेटा हैज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा एज वेल एज फाइलम नॉन कॉर्डेटा. नॉन कॉर्डेटा के अंदर कौन कौन से? पॉरीफेरा, नाइडेरिया, एनरिडा, मुलस्का, आर्थ्रोपोडा, जो हमने अभी तक पढ़ लिए हैं सारे. ठीक है जी. तो ये लिंक है हेमिकॉर्डेटा का. हेमिकॉर्डेटा रिजेंबल करता है नॉन कॉर्डेट्स के साथ भी और कॉर्डेट्स के साथ भी. चलिए देखते हैं इसके क्या फीचर्स हैं. तो बेटा जो हमारे पास हेमिकॉर्डेटा होता है, आप राइट साइड में इसकी जो पिक्चर है वो देख सकते हैं. हेमिकॉर्डेटा की जो बॉडी होती है, स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि छोटा सा हेड पार्ट है इसका, जिसको हम लोग प्रोबोस्किस बोलते हैं. ठीक है जी. उसके बाद एक कॉलर रीजन आता है. ठीक है जी. दिस इज द कॉलर रीजन. उसके बाद पूरा का ट्रंक आता है. ठीक है. दिस इज कंप्लीट ट्रंक. इसकी बॉडी तीन हिस्सों में डिवाइडेड है बेटा, प्रोबोस्किस, कॉलर एंड ट्रंक. ठीक है. आप हेड, कॉलर एंड ट्रंक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है याद रखने के लिए. तो हेमिकॉर्डेटा है ये बहुत स्मॉल होता है और ये इस तरह के क्रिएचर्स होते हैं जो कि कॉर्डेटा के साथ और नॉन कॉर्डेटा के साथ जो है ये क्लोजली रिलेट करते हैं. तो इनके बॉडी के अंदर जो नोटोकॉर्ड है, अब आप फर्स्ट टाइम वर्ड सुन रहे हैं नोटोकॉर्ड. इनफैक्ट आपने नाइन्थ में सुनी है ये कहानी नोटोकॉर्ड की भी. चलिए नोटोकॉर्ड के बारे में आपको एक हिंट देता हूं मैं स्टार्टिंग में, कि नोटोकॉर्ड इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड. डॉर्सल साइड अब आपको पता है पिछली साइड जो होती है, द बैक साइड. ओके. जो डॉर्सल साइड के ऊपर एक जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होती है. नोटोकॉर्ड की लोकेशन क्या है? डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी. जितने भी एनिमल्स हैं सभी के अंदर, जितने भी कॉर्डेट्स हैं सभी के अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो डॉर्सल साइड के ऊपर प्रेजेंट है, बैक साइड के ऊपर प्रेजेंट है. ठीक है. सेकेंड थिंग, जो नोटोकॉर्ड है इसका काम क्या है? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ये एनिमल को. ठीक है जी. अब देखते हैं हेमिकॉर्डेटा के अंदर क्या है. हेमिकॉर्डेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है ये एंटीरियर एंड, मतलब कि जो फ्रंट फेस है इसका, एंटीरियर मतलब सामने वाला एंड, पोस्टीरियर मींस पिछला, क्योंकि ये फ्लैट है ना. ओके. एंटीरियर मींस सामने वाला, पोस्टीरियर मींस पिछला. तो नोटोकॉर्ड इसके एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है और उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड. इसके अंदर नोटोकॉर्ड को स्टोमोकॉर्ड बोला जाता है. वो इसकी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एंटीरियर पोर्शन के अंदर ही प्रेजेंट है. ठीक है जी. और इसके अंदर एग्जाम्पल है हमारे पास बलेनोग्लॉसिस का. ठीक है जी. इसके बारे में तीन ही पॉइंट है, फाइलम हेमिकॉर्डेटा की डिटेल नहीं आती है. ओके. सो नाउ लेट्स फोकस ऑन आर द मेन फाइलम, जो कि है फाइलम कॉर्डेटा, जिनसे हम भी बिलोंग करते हैं. ह्यूमन बींग्स भी इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं. तो इसके फीचर्स देख लेते हैं पहले. तो इसके अंदर जो बॉडी सिमेट्री रहेगी बेटा, दैट इज बायलेटरल. बायलेटरल बॉडी सिमेट्री है एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होने वाले हैं. जो जर्म लेयर्स हैं वो तीन होगी और इनके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, सेल टिश्यू. अब ऑर्गन्स जो हैं वो आ गए हैं. बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल की है. ठीक है जी. नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है इनके अंदर कुछ स्टेजेस में. कई जगह पर नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ बैकबोन. ठीक है जी. जो बेटा लोअर कॉर्डेट्स हैं, दोज एनिमल, जो हमारे पास कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा फाइलम है. अब ऑफ कोर्स इसके अंदर बहुत से क्लासेस होंगी, बहुत से ऑर्डर्स होंगे, बहुत से फैमिलीज होंगी, बहुत से जीनस आएंगे. ठीक है. तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिलोंग करते हैं कॉर्डेटा के साथ, लोअर ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग फ्रॉम फाइलम कॉर्डेटा, उनके बॉडी के अंदर तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. उनके बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी. लेकिन जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जो फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बैकबोन प्रेजेंट होती है. हायर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होगी? बैकबोन प्रेजेंट होगी. लोअर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी. ठीक है. अब बैकबोन जो होती है, बैकबोन बेटा, बैकबोन एक बोन नहीं है. बैकबोन इज अ ग्रुप ऑफ बोन्स. काफी सारी बोन्स का सेट है. बहुत छोटे छोटे वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं. ठीक है. बहुत छोटे छोटे वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, वो मिलकर के एक बैकबोन बनाते हैं. ठीक है जी. तो इस चीज को याद रखना. और बैकबोन जो होती है ना हमारी, बैकबोन अंदर से हॉलो होती है. बैकबोन इज अ हॉलो फ्रॉम इनसाइड. अंदर से खोखली होती है वो. ठीक है. बस प्रोटेक्शन कहाँ पर होती है? साइड्स में प्रोटेक्शन होती है बैकबोन की. चलिए जी, अब अगली बात करते हैं हम लोग.
एलिमेंट्री केनाल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एलिमेंट्री केनाल वेंट्रल साइड के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है जी, नर्व कॉर्ड के वेंट्रल साइड के ऊपर ऑफ कोर्स। तो नर्व कॉर्ड अगर डॉर्सल साइड में है तो उसका वेंट्रल मींस उसके ऑपोजिट साइड में क्या प्रेजेंट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग के अंदर भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वेंट्रल साइड के ऊपर प्रेजेंट है, और डॉर्सल कॉर्ड और जो नर्व कॉर्ड है वो डॉर्सल साइड के ऊपर प्रेजेंट है। रेस्पिरेशन दो तरह से हो सकती है, ठीक है, जो एक्वेटिक है उनमें गिल्स के थ्रू होगी, जो टेरेस्ट्रियल है उनमें लंग्स के थ्रू होगी। नाउ नर्वस सिस्टम जो है वो हॉलो है, ठीक है जी, लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो नर्व कॉर्ड्स हैं, नर्व कॉर्ड, अब ये चीज नवी नहीं आई है, नर्व कॉर्ड देखो बेटा, एक होते हैं नर्व कॉर्ड, एक होते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का आपने नाम सभी ने सुना हुआ है, 10th में भी आपने पढ़ा है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है जी। तो जो ये स्पाइनल कॉर्ड है ये कनेक्ट किसके साथ होती है, ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है, और स्पाइनल कॉर्ड में से ही बहुत सारी जो नर्व्स हैं वो अराइज होती हैं, जो हमारी पूरी बॉडी की वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करती हैं एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड जो है ये लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है, स्पाइनल कॉर्ड हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है जी। ओके, तो नर्व कॉर्ड इज सिंगल सिंगल होती है, और लोकेशन क्या है इसके, डॉर्सल। हमारी हमारी भी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डॉर्सल है, ठीक है जी, और ये डॉर्सल होगी और ये खोखली होगी, और इसके अंदर गैंग्लिया प्रेजेंट नहीं होगा। व्हाट इज गैंग्लिया, गैंग्लिया इज अ ग्रुप ऑफ नर्व्स, नर्व्स के ग्रुप को गैंग्लिया बोलते हैं, ठीक है जी। तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है ह्यूमन बींग्स के केस में, और जो नर्व कॉर्ड होती है, नर्व कॉर्ड के अंदर क्या है, गैंग्लिया प्रेजेंट नहीं होता है, नर्व कॉर्ड के अंदर गैंग्लिया प्रेजेंट नहीं होगा। स्पाइनल कॉर्ड की बात आगे करते हैं, ठीक है जी। जो गिल क्लेफ्ट है, देखो एक होते हैं गिल्स, गिल्स का फंक्शन क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज इन एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स, ठीक है जी, गैस को एक्सचेंज करवाना, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है, ठीक है जी, वो गिल्स करवाते हैं, गिल्स ऑर्गन्स हैं। लेकिन गिल क्लेफ्ट्स वो आप कह सकते हैं कि प्रोविजंस हैं जो स्किन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है जी। प्रोविजन का मतलब क्या है कि गिल क्लेफ्ट एक इस तरह की जगह जहां से गैस एंटर होती है, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ठीक है। तो गिल क्लेफ्ट भी हैं जो कि कुछ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, सभी में प्रेजेंट नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जो फाइलम कॉर्डेटा है इनकी बॉडी के अंदर जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, दैट मींस ब्लड वेसल्स प्रॉपरली प्रेजेंट है विद वेंट्रली लोकेटेड हार्ट। अब तक हमने हार्ट किसी भी नॉन कॉर्डेट के अंदर नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पर जो हार्ट है वो प्रेजेंट है और वेंट्रल पोजिशन पर प्रेजेंट होगा। एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह का है, क्लोज्ड है, दैट इज ब्लड फ्लो इन साइड द क्लोज्ड ब्लड वेसल्स, ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो थ्री बेसिक फीचर्स हैं कॉर्डेट्स के वो क्या हैं, कि इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी और जो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होगी। दो चीजें हैं बेटा, एक नोटोकॉर्ड है, एक नर्व कॉर्ड है। नोटोकॉर्ड हायर ऑर्गेनिज्म में होती है बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम, नर्व कॉर्ड हायर ऑर्गेनिज्म में होती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म की नर्व कॉर्ड। चलिए जी, अब इनके अंदर फ्रिंजियल गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्वेटिक हैं सिर्फ उन्हीं के अंदर, ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नोटोकॉर्ड इन डिटेल, नोटोकॉर्ड के बारे में डिटेल में बात करते हैं। चलिए बेटा जी, तो बेटा एक साइड में मैं आपको ये जो मैं आपको एग लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली क्या है, दिस इज बेसिकली एन एम्ब्रियो, ठीक है जी, ये एक ग्रोइंग एम्ब्रियो है, ठीक है जी। ये किसी कॉर्डेट का है, कोई स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि किस ऑर्गेनिज्म का है, लेकिन किसी कॉर्डेट का है, ठीक है। तो इस एम्ब्रियो के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो रेड लाइनिंग है, ये जो रेड लाइनिंग आप लोग नोटिस कर रहे हैं, ये रेड लाइनिंग कंप्लीटली क्या बनाएगी, ये बनाएगी नोटोकॉर्ड, ठीक है। और इसके पीछे ये जो ब्लू कवर पूरा देख रहे हैं आप लोग, ठीक है जी, ये ब्लू कवर है जो पूरा, जो कि एक्सटेंड होकर के जा रहा है पीछे तक, ठीक है जी। दिस ब्लू रीजन, दैट दिस ब्लू रीजन इज बेसिकली डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड है, ठीक है जी। नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड दोनों प्रेजेंट है, ये लोअर ऑर्गेनिजम्स का करेक्टरिस्टिक है बेटा, ठीक है जी। और उसके बाद पोस्ट नेटल टेल भी जो है वो प्रेजेंट है। नाउ अब अगली कहानी करते हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको बेसिकली ये फ्रिंजियल पाउचेस हैं, फ्रिंजियल मींस फेरिक्स,
नाउ अब ये है क्या चीज बेसिकली, ये एक पूरा एम्ब्रियो है, जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो है वो बन रहा है हायर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है जी। इसके अंदर डेवलपमेंट दिखाई गई है कि किस तरह से जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड का अरेंजमेंट है वो किस तरह से होता है, सिर्फ अरेंजमेंट दिखाया गया बेटा और कुछ नहीं, ठीक है। ओके नाउ नोटोकॉर्ड फिर से बता रहा हूँ, डॉर्सल होगी, फ्लेक्सिबल होगी, ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, जो कि बॉडी की पूरी लेंथ के जितना होता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड बॉडी की पूरी लेंथ के जितना होता है, ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट मे बी प्रेजेंट थ्रू आउट द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। हो सकता है कि ये पूरी जिंदगी, इट मे बी प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, मतलब कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ एम्ब्रियो के अंदर होती है, मींस के जब बेबी बन रहा होगा तब तो क्या होगी, प्रेजेंट नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, बाद में जब बर्थ हो जाएगा उसके बाद नोटोकॉर्ड खुद ब खुद क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी खुद ब खुद। ये चीज ह्यूमन बींग्स के साथ भी होती है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के केस में अभी भी जो टेल फॉर्मेशन है वो होती है एम्ब्रियो के अंदर, लेकिन टेल फॉर्मेशन जैसे जैसे एम्ब्रियो जो है वो ग्रो करता जाता है, जैसे जैसे एडवांस स्टेजेस आती जाती है एम्ब्रियो के अंदर, जो टेल है वो कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है जी। ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है जी, बिकॉज अब एक अडल्ट को उस चीज की जरूरत नहीं है, तो एम्ब्रियो में तो प्रेजेंट होगी, एम्ब्रियो में इसलिए बनती है बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन डीएनए में है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन डीएनए में है वो एम्ब्रियो में तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। लेकिन एक जो आप कह सकते हैं कि आफ्टर बर्थ वो चीजें जो है वो क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, या फिर आप कह लो कि बर्थ के कुछ टाइम पहले वो चीजें खुद ब खुद रिमूव हो जाती हैं एम्ब्रियो में से। नाउ नेक्स्ट थिंग के ऊपर फोकस करते हैं जी। नोटोकॉर्ड के बारे में क्या समझा आपने कि कुछ ऑर्गेनिज्म में ये तो सिर्फ एम्ब्रियो में ही होगी और कुछ ऑर्गेनिज्म में थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है। चलिए जी, अब जो कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स के दो ग्रुप्स हैं, ठीक है जी, कॉर्डेट्स के दो ग्रुप्स हैं। पहले ग्रुप का नाम है प्रोटोकॉर्डेट्स, दूसरे का नाम है वर्टिब्रेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। नाउ बेटा, वर्टिब्रेट्स को हम लोग ट्रू कॉर्डेट्स भी बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स आर नोन एज ट्रू कॉर्डेट्स। और प्रोटोकॉर्डेट्स का क्या चक्कर है ये समझते हैं आप। सो देखेंगे, सेकंड लाइन है, प्रोटोकॉर्डेट इज अ ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव एनिमल्स। ये प्रिमिटिव एनिमल्स का ग्रुप है जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है जी। प्रिमिटिव एनिमल्स विच लैक वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड इज सीन इधर थ्रू आउट और एट सम स्टेजेस ऑफ लाइफ। जो नोटोकॉर्ड है या तो वो पूरी जिंदगी प्रेजेंट होगी और कुछ ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ जिंदगी के कुछ टाइम पीरियड के अंदर ही प्रेजेंट होती है, उसके बाद प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, इसके दो सब फाइलम्स भी हैं बेटा। प्रोटोकॉर्डेट्स हैज टू सब फाइलम, फर्स्ट इज यूरोकॉर्डेटा एंड सेकंड इज सेफलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा एंड सेफलोकॉर्डेटा आर द टू सब फाइलम्स ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स। फाइलम प्रोटोकॉर्डेट्स हैं जो उसके दो सब फाइलम्स हैं आगे। चलिए जी, अब अगली बात करते हैं हम लोग। जो ये सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, इसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है। वो क्यों ट्यूनिकेटा क्यों बोला जाता है बेटा, अगर किसी आप में से किसी को अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, कुछ पूछना है आपने, तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं बेटा साथ के साथ ही, ठीक है। अगर कोई चीज आप समझने चाहते हैं कि जो मैं रिपीट कर दूं आपके लिए, आप प्लीज माइक ऑन कीजिए, अपना अनम्यूट कीजिए उसको, एंड प्लीज आस्क आउट द क्वेश्चन। ओके, तो अब अगली चीज करते हैं हम लोग के जो यूरोकॉर्डेट्स हैं उसके फीचर्स क्या हैं, या ट्यूनिकेट्स के फीचर क्या होते हैं, क्या जरूरी चीजें हैं जो इनके बारे में पता होनी चाहिए। बेटा ये बैग लाइक होते हैं, ठीक है जी, साइक लाइक स्ट्रक्चर है इनका। सिजाइल मींस के ये एक जगह पर ही रहते हैं, ज्यादा मूव नहीं करते हैं। फिल्टर फीडिंग एनिमल्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो एनिमल्स एक्वेटिक हों, ठीक है, और वो क्या करते हों, एक फिल्टर फीडिंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी सस्पेंशन में से, जो कि किसी सस्पेंशन में से अपना जो फूड है उसको ढूंढे और उसको खाएं, ठीक है जी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे गांव में बर्ड्स होते हैं, ठीक है जी, तो वो क्या करते हैं, वो ढूंढते रहते हैं वाटर के अंदर कि अगर कुछ मिल जाए उनको, जैसे ही मिलता है तो वो उसको कैप्चर कर लेते हैं, एडिट कर लेते हैं। उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं फिल्टर फीडिंग एनिमल्स,
ठीक है, फिल्टर फीडिंग एनिमल एनिमल्स। ओके नाउ ट्यूनिकेट्स जो होते हैं ये फिल्टर फीडिंग एनिमल्स हैं, ठीक है जी। यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा एक ही बात है, ये फिल्टर फीडिंग ऑर्गेनिजम्स हैं और इनको हम लोग एससीडियंस भी बोलते हैं कॉमनली। इनकी बॉडी के ऊपर ट्यूनिक की एक लेयर चढ़ी होती है अडल्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। नाउ ट्यूनिक लेयर, जैसे हमारी बॉडी ह्यूमन बॉडी इज कवर्ड विद स्किन, ओके, तो जो यूरोकॉर्डेटा है इनकी बॉडी कवर किस फॉर्म के साथ होती है? ट्यूनिक, ठीक है जी। ट्यूनिक लेयर प्रेजेंट होती है, इनकी आउटर मोस्ट कवरिंग को ट्यूनिक बोलते हैं। एंड जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट इन द टेल, जो नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड होती है ये सिर्फ टेल में प्रेजेंट होती है, वो भी लार्वल स्टेजेस के अंदर, लार्वा स्टेजेस के अंदर प्रेजेंट होगा। अडल्ट फॉर्म के अंदर नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड एब्सेंट होती है, ठीक है जी। और जो एब्सेंट क्यों होती है? बिकॉज आपको पता है बेटा कि पहले एग, देन लार्वा, देन अडल्ट, तीन स्टेजेस देखे थे हमने, ठीक है जी। इसको हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। यानी कि एग से पहले क्या बनता है? लार्वा बनता है, और लार्वा के अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है, और मेटामॉर्फोसिस के टाइम पर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं लार्वा के अंदर, ठीक है जी। और वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस उसको कन्वर्ट कर देते हैं अडल्ट के अंदर। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। तो इनके अंदर भी क्या है? लार्वा के टाइम पर तो नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन मेटामॉर्फोसिस होगी और इनकी जो नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड है वो अडल्ट फॉर्म के अंदर रिड्यूस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चलिए जी, अब इनके अंदर गिल क्लेफ्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं अडल्ट फॉर्म के अंदर। अब मैं इनकी तस्वीरें दिखा देता हूँ आपको, इनके पिक्स देखिए एक बार आप। एग्जाम्पल है हर्डमैनिया एंड डोलियोलम, आप लोग इनको देखें और एक बार सोचें ध्यान से देख करके कि ये आपको एनिमल्स के की जो हम जो एनिमल्स हम देखते हैं क्या उनके जैसे लगते हैं किसी भी एंगल से? देखिए ध्यान से, डोलियोलम एंड हर्डमैनिया, ठीक है जी, ये हैं बेटा हमारे पास यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल्स। नाउ मैंने कहा था कि ये बैग लाइक होते हैं और इनकी आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी है? ट्यूनिक से बनी हुई है, इसी वजह से इनको ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। इनके अंदर नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। चलिए जी, अब नेक्स्ट थिंग के बारे में बात करते हैं। सब फाइलम सेफलोकॉर्डेटा, सेफलोकॉर्डेटा भी प्रोटोकॉर्डेटा का ही पार्ट है। इसके अंदर क्या होता है? ये सारे एक्वेटिक हैं, ठीक है जी, एक्वेटिक होंगे ये। एक्वेटिक में बेसिकली मरीन होते हैं, ठीक है जी। फिश लाइक होगी बॉडी इनकी, और ये भी किस तरह के होंगे? फिल्टर फीडिंग एनिमल्स होंगे, ठीक है जी। नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट है पूरी बॉडी, जितनी इनकी बॉडी की लेंथ है उतनी बड़ी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, और वो पूरी जिंदगी रहती भी है, ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग, जो नर्व कॉर्ड है, जो नर्व कॉर्ड है वो हॉलो है बट डू नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नर्व कॉर्ड प्रेजेंट तो है लेकिन नर्व कॉर्ड से ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड नहीं बनी हुई, ठीक है। यहां से हम क्या बता सकते हैं कि नर्व कॉर्ड के अंदर जब डिफरेंशिएशन होती है, नर्व कॉर्ड जब ज्यादा डेवलप होती है तो वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो वो चीज बेटा सेफलोकॉर्डेट्स के अंदर नहीं है, इनके अंदर सिर्फ नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, वो भी हॉलो, ठीक है। तो आप इनका नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सी चीज बता सकते हैं? इनके नर्वस सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट है? एक नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एब्सेंट है। चलिए जी, जितने भी हमने अब तक देखे नर्व कॉर्ड्स थी, उनमें कुछ में एम्ब्रियोनिक लाइफ में थी, कुछ में अडल्ट में है, ठीक है जी। तो उनका जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर है क्या? बेसिकली नर्व कॉर्ड है। इनके अंदर गिल स्लिट्स एंड फिन्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है जी। चलिए, अब ये रहे गिल स्लिट्स, ठीक है जी। गिल स्लिट्स का आपको पता है, ये बेटा यू कैन से फेदर लाइक होते हैं, ठीक है। ये एक टाइम पे ओपन होते हैं फिर क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं क्लोज होते हैं। इनके थ्रू ही जो गैसियस एक्सचेंज है वो होता है, ठीक है जी। गिल्स के अंदर जो वाटर है वो जाता है और उसके अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो ये कैप्चर कर लेते हैं, एंड इन रिटर्न क्या दे देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। तो वही सिस्टम है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है? एम्फियोक्सिस का एग्जाम्पल है, एम्फियोक्सिस, ठीक है जी। तो आप जो मैंने पॉइंट कहा था आपसे कि नोटोकॉर्ड पूरी इनकी बॉडी की लेंथ जितनी होगी तो आप देख सकते हैं, ठीक है जी। इनके अंदर जो फिन्स हैं वो प्रेजेंट हैं, फिन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं इनके अंदर, और गोनिड्स प्रेजेंट है, विच मींस कि सेक्सुअल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं इनके अंदर, लिवर प्रेजेंट है,
ठीक है जी। तो ये हैं इनके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, ये कॉडल फिन्स हैं जो कि इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं, और इनकी बॉडी के अंदर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, आप लोग देख सकते हैं वो ऑफ कोर्स ऊपर प्रेजेंट है, ये जो चीजें दिखाई हैं ये मसल्स के नीचे प्रेजेंट होती हैं, ये वाला पार्ट ऊपर वाला है, तो मसल सेगमेंट्स भी जो है वो प्रॉपरली प्रेजेंट है ताकि ये बड़े आराम से जो है मूवमेंट कर पाए, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो अब है सब फाइलम वर्टिब्रेटा, अब ये जो चीज है वर्टिब्रेटा, ठीक है जी, अब कहानी सुनते हैं वर्टिब्रेटा की, जो ट्रू कॉर्डेट्स जिनको बोला जाता है, जो नोटोकॉर्ड है वर्टिब्रेटा के अंदर, वर्टिब्रेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो कन्वर्ट हो जाती है, या कह लो कि और जरा डेवलप हो जाती है टू फॉर्म बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे और वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है जी। नोटोकॉर्ड और ज्यादा डिफरेंशिएट होती है और ज्यादा डेवलप होती है टू फॉर्म वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम से ही क्या बनती है, बैकबोन बनती है। जो बॉडी है उसके अंदर क्या पार्ट्स होंगे, हेड नेक ट्रंक एंड टेल, चार पार्ट्स देखने को मिलेंगे बॉडी के अंदर, हेड नेक ट्रंक एंड टेल। नाउ बॉडी के अंदर एक्सोस्केलेटन जो है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स, फेदर्स या फिर हेयर्स, ठीक है जी, एक्सोस्केलेटन इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और एंडोस्केलेटन जो होता है वो बना होता है कार्टिलेज के साथ या फिर बोन्स के साथ या फिर दोनों बोन्स एंड कार्टिलेज के साथ, ठीक है जी। इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी, यानी कि लिम्स एंड फोर लिम्स, यानी कि हाथ एंड जो इनके आर्म्स एंड लेग्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। अगली बात क्या है कि जो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल्स भी हो सकते हैं, लंग्स भी हो सकते हैं। नर्वस सिस्टम इज डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नाउ यहां से जर्नी स्टार्ट होती है एडवांस एनिमल्स की। ओके जी, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इनके अंदर दो ग्रुप्स हैं बेटा, एक ग्रुप है एग्नेथा, ठीक है, दूसरा ग्रुप का नाम है साइक्लोस्टोमेटा, एग्नेथा एंड साइक्लोस्टोमेटा। अब फर्क क्या है दोनों में, एग्नेथा जो होता है उसके पास जॉज नहीं होते, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं हमारे पास जॉज प्रेजेंट है, ठीक है, हमारा फेस का जो लोअर पार्ट है वो मूविंग है, ठीक है जी। तो जिनका जिनके पास जॉज प्रेजेंट है वो बिलोंग करते हैं साइक्लोस्टोमेटा के साथ, उनका फेस जो है वो सर्कुलर होता है। एंड जो एग्नेथा से बिलोंग करते हैं या फिर एग्नेथोस्टोमेटा से बिलोंग करते हैं उनका, उनके पास जॉज जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। सो एग्नेथा से बिलोंग करने वालों का पहला फीचर क्या होगा, दे आर जॉलेस, इनके पास जो जॉज है वो प्रेजेंट नहीं है। नोटोकॉर्ड जो है वो पूरी जिंदगी इनके पास प्रेजेंट होती है। एंड पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट, ठीक है, यानी कि इनके पास लिम्स एंड फोर लिम्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है जी। अच्छा एक चीज है, पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट है, हो सकता है सिंगल सिंगल प्रेजेंट हो, ठीक है जी, सिंगल सिंगल अपेंडेज प्रेजेंट हो। अच्छा अपेंडेज क्या हो सकती है, अपेंडेज कैन बी हैंड, अपेंडेज कैन बी कोई भी ऐसा ऑर्गन जो कि मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, या कुछ पिक करने में हेल्प कर रहा है, या फ्लाई करने में हेल्प कर रहा है, कोई भी ऐसी चीज, उसको हम अपेंडेज के अंदर कंसीडर करते हैं। ह्यूमन बींग्स के पास अपेंडेजेस के फॉर्म में क्या है, पेयर्ड अपेंडेजेस है हमारे पास, हमारे पास टू आर्म्स है विद टू हैंड्स एंड हमारे पास टू लेग्स हैं एंड फीट्स, ये अपेंडेजेस हैं हमारे, ठीक है। अगर हम बर्ड्स की बात करें बेटा तो उनके पास जो फेदर्स होते हैं वो भी दो प्रेजेंट होते हैं, मतलब पेयर्ड अपेंडेज है उनके पास भी, वो उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं फिश की, तो फिश के पास अपेंडेजेस के फॉर्म में प्रेजेंट है फिन्स, जो कि उनको तैरने में हेल्प करते हैं, स्विम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है अपेंडेजेस का। लेकिन जो एग्नेथोस्टोमेटा है इनके पास अपेंडेजेस पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट है, हो सकता है सिंगल अपेंडेज कोई प्रेजेंट हो। तो नेक्स्ट थिंग जो है, स्किन इज सॉफ्ट एंड स्लाइमी विदाउट एक्सोस्केलेटन। स्किन जो है वो बहुत सॉफ्ट होगी। स्लाइमी का मतलब क्या है कि जो स्किन है उसके बाहर स्लाइम जो है बेसिकली आप कह सकते हैं कि स्किन के बाहर जो म्यूकस है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, और इसके पास कोई भी एक्सोस्केलेटन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है जी। बाहर किसी तरह की कोई शेल या किसी तरह की कोई हार्ड ट्यूनिक कवरिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। ओके, उसके बाद अब क्लास साइक्लोस्टोमेटा, जिनके सर्कुलर जॉज होते हैं, ठीक है। अब हम बस एडवांस ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर चुके हैं, ठीक है जी। साइक्लोस्टोमेटा के फीचर्स देखते हैं बेटा। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर कमाल की बात है कि इनकी जो बॉडी है वो इलॉन्गेटेड भी होगी, लंबी भी होगी और राउंड होगी,
राउंड बॉडी। स्किन जो है वो सॉफ्ट है, स्मूथ है और उसके पास कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है, ठीक है जी। पेयर्ड फिन्स और अपेंडेजेस जो हैं वो एब्सेंट हैं साइक्लोस्टोमेटा के अंदर, ठीक है जी। ओके, उसके बाद अगली बात करते हैं। स्केलेटन जो है वो कार्टिलेज के साथ बना हुआ है, साइक्लोस्टोमेटा का जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज के साथ बना हुआ है, कार्टिलेजिनस है। ह्यूमन बींग्स के अंदर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। अगर आप ह्यूमन बींग्स का जो एंडोस्केलेटन है इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड बोन्स, ठीक है जी। ओके, नाउ नोटोकॉर्ड जो है वो परसिस्टेंट है, वो प्रेजेंट होगी। हार्ट जो है वो सिर्फ टू चैम्बर्ड होगा, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग इसके। पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन, ये रहे एग्जाम्पल बेटा इनके राउंड बॉडी के, सॉफ्ट स्किन के, ठीक है जी। इनके पास कोई पेयर्ड अपेंडेजेस भी प्रेजेंट नहीं है, हार्ट इनका टू चैम्बर्ड है, ठीक है जी। चलिए अब जो हमारे पास दूसरा ग्रुप था, गनेथोस्टोमेटा, जिनके पास जॉज होते हैं, जिनके पास जॉज होते हैं, ठीक है। चलिए जी कहानी, अब यहां से आप लोग जो चीजें हैं वो रिलेट करने स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज गनेथोस्टोमेटा ग्रुप के अंदर जो एनिमल्स है वो तकरीबन हम सभी ने देखे हुए हैं। अब तक जिन एनिमल्स की हम बात कर रहे थे वो आई थिंक आप में से बहुत से ऐसे हैं जो उन्होंने फर्स्ट टाइम सुने हैं, लेकिन अब से जितने भी एनिमल्स की बात हम करेंगे वो सभी आपने मोस्टली देखे हुए होंगे। चलिए जी, तो गनेथोस्टोमेटा के फीचर्स क्या हैं कि इनके पास माउथ के अंदर जॉज प्रेजेंट होते हैं, एंड नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो गई है, क्या बन गई है, वर्टिब्रल कॉलम बन गई है, बैकबोन बन गई है। पेयर्ड अपेंडेजेस इनके अंदर प्रेजेंट है। स्किन जो है वो इनके कवर की गई है स्केल्स के साथ, फेदर्स के साथ या फिर हेयर्स के साथ, ठीक है जी। गनेथोस्टोमेटा की दो सुपर क्लासेस हैं, ठीक है, दो सुपर क्लासेस हैं, कौन कौन सी, पाइसिस एंड टेट्रापॉड। पाइसिस के अंदर सारी फिशेज आएंगी, ठीक है जी। टेट्रापॉड के अंदर वो आ जाएंगे जिनके चार लिम्स एंड फोर लिम्स हैं, ठीक है जी। तो सुपर क्लास पाइसिस जो है वो सबसे पहले स्टडी करते हैं हम लोग। पाइसिस के दो मेन क्लासेस हैं, कॉन्ड्रिटसाइट एंड ओस्टिटसाइट। अच्छा, अब कुछ डिफरेंस नहीं है इनमें, सिर्फ एक बात का डिफरेंस है कि जो कॉन्ड्रिटिक थाइस होते हैं हमारे पास, इनके अंदर कार्टिलेज का जो स्केलेटन है वो प्रेजेंट होता है, एंड ऑस्टिटसाइट्स जो होते हैं इनके अंदर बोन्स का स्केलेटन जो है वो प्रेजेंट होता है, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। चलिए डिटेल में देखते हैं कि जो हमारे पास कॉन्ड्रिटिक थाइस हैं इनके अंदर क्या चीज है। ओके बेटा जी, तो ये मरीन फिशेज हैं, मरीन फिशेज होती हैं विद कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, ठीक है जी। इनके अंदर गिल स्लिट्स का पेयर जो है वो प्रेजेंट होता है। ऑपरकुलम मींस कि ऑपरकुलम क्या होता है बेटा, बेसिकली जो गिल्स को कवर करती है, एक लाइनिंग होती है, उसको बोलते हैं ऑपरकुलम। नाउ स्किन कवर्ड विद प्लैकोइड स्केल्स, जो स्किन है उसके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ओके, मैं आपको दिखाऊंगा स्केल्स किस तरह के होते हैं आगे डायग्राम में। ये डू नॉट हैव स्विम ब्लैडर, इनके पास स्विम करने के लिए ब्लैडर नहीं होता है, मतलब। अच्छा, बहुत सी इस तरह की फिशेज होती हैं हमारे पास हु कैन स्टोर गैसेस इन देयर बॉडी। अगर वो गैसेस को स्टोर कर ले अपनी बॉडी के अंदर तो उनकी जो बॉडी वेट है वो कम हो जाता है और उनको बायोन्सेस ज्यादा मिलते हैं, जिस वजह से वो क्या कर सकती हैं, बड़ी इजिली और फास्टली स्विम कर सकती हैं, ठीक है जी। ओके, तो इनके पास स्विम ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, और सेकेंडली वो गैसेस को स्टोर करके रख सकती हैं, डीप सी डाइविंग भी कर सकती हैं, ठीक है जी। तो टेल जो है वो हिटीरो सर्कल है, दैट मींस के उसके पास दो फिन्स हैं जो लास्ट में प्रेजेंट होने वाले हैं। कॉमनली शार्क्स एंड रेज, ये बेटा ओवो वीवी पेरस भी होते हैं और वीवी पेरस भी होती हैं। वीवी पेरस का मींस क्या है, दे गिव बर्थ टू यंग वंस। ओवो वीवी पेरस का मींस के ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जाइगोट जो बनता है वो मदर के अंदर ही बनेगा, एंड मदर के अंदर ही एग फॉर्म होगा, बेबी एग से ही हैच होगा, लेकिन वो एग ये रिलीज नहीं करती है, बॉडी के बाहर रिलीज नहीं करती है, बॉडी के अंदर ही रखते हैं, ओवो वीवी पेरस उनको बोलते हैं, ठीक है जी। ओके, तो एग्जाम्पल है बेटा स्कॉलिडियन एंड टॉर्पिडो, शार्क्स एंड रेज का। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये रही हमारे पास शार्क्स एंड टॉर्पिडो रे। अब हम बात कर लेते हैं बेटा आगे ओस्टिटसाइट्स का। अब इसके अंदर क्या चीज है बेटा, यहां पर ये हर तरह के वाटर के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, एक्वेटिक एंड मरीन,
ठीक है, जो इसकी बॉडी है वो स्पिंडल शेप्ड होगी। स्पिंडल शेप का मतलब क्या है, स्ट्रीमलाइन बॉडी भी बोलते हैं इसको हम, के स्टार्टिंग में जो टेपरिंग है तीखी है और एंड्स भी टेपरिंग है, लेकिन जो मिडल पार्ट है वो काफी हैवी हो सकता है। ठीक है जी, तो स्पिंडल शेप बॉडी है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है इनकी। जो इनकी बॉडी के अंदर जो पेयर्ड क्या प्रेजेंट है, गिल स्लिट्स कवर्ड विद ऑपरकुलम, गिल स्लिट्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ऑपरकुलम प्रेजेंट है इनके ऊपर। एंडोस्केलेटन जो है इनका, इनके अंदर बोन्स प्रेजेंट होती हैं। स्किन विद साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स, अब ये स्केल्स के टाइप्स हैं आगे, साइक्लॉइड एंड टिनॉइड्स। ठीक है जी, इनके अंदर स्विमिंग ब्लैडर प्रेजेंट होता है, शोज प्रेजेंस ऑफ लेटरल लाइन। उसके बाद इनके जो जॉज विद टीथ इनसाइड, इनके जॉज प्रेजेंट होते हैं, टीथ भी होते हैं उनके अंदर, हार्ट टू चैम्बर्ड है। ठीक है जी, नाउ लेट्स फोकस ऑन एग्जांपल आगे बेटा, यहाँ पे लेबियो बाइकलर एंड सी हॉर्स। चलिए जी, अब हम बात करते हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा का। इसके अंदर आ जाएंगे एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। ठीक है जी, चलिए लेट्स स्टार्ट विद टेट्रापोडा। टेट्रापोडा के अंदर क्या चीज है, ओके सो बेटा टेट्रापोडा के अंदर क्या चीज आएगी, जो टेट्रापोडा है इनके पास पेंटाडेक्टाइल लिम्ब्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पेंटाडेक्टाइल का मतलब क्या है, पेंटा मीन्स जो पांच उंगलियां हैं लिम्ब्स के अंदर लोकोमोशन पर्पस के लिए। ठीक है जी, पेंटाडेक्टाइल लिम्ब्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। उसके बाद एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन जो है इनका वो बोनी हो सकता है, बोन्स के साथ बना हुआ हो सकता है। स्किन के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, फेदर्स प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर हेयर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है जी, एंडोस्केलेटन बोनी होगा और बाहर से ये चीजें प्रेजेंट होंगी, स्केल्स, फेदर्स और हेयर्स। हार्ट 3-4 चैम्बर्ड हो सकता है इनका एंड ये डबल सर्कुलेशन शो करते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर्ड वाले डबल सर्कुलेशन शो करेंगे। जो टेट्रापोडा है इसकी चार क्लासेस हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। चलिए जी एम्फीबिया देखते हैं। एम्फीबिया बेटा एक्वेटिक भी होते हैं, एम्फी का मतलब होता है दो, ठीक है ना, ओके। ये दो लाइफ फॉर्म एग्जिबिट करते हैं, दो तरह के हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं ये एक्वेटिक पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है जी, और टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ भी जो है अपना सकते हैं, मतलब कि पानी के पास रह सकते हैं या फिर कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ये कार्निवोरस होते हैं बेटा, कार्निवोरस होंगे एंड पोई किलो थर्मल विच मीन्स कोल्ड ब्लडेड होने वाले हैं ये। ठीक है जी, कार्निवोरस का मतलब आपको पता है। नाउ स्किन जो है इनकी स्मूथ हो सकती है, ठीक है जी, और रफ भी हो सकती है। एंडोस्केलेटन जो है वो बोनी होगा, बोन्स के साथ बना हुआ एंडोस्केलेटन है इनका। आइस हैज निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, आइस के ऊपर एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट है इनके, ठीक है, जो कि इनको एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर भी सर्वाइव करने में हेल्प करती है। और उसके बाद रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू भी होती है, स्किन के थ्रू भी होती है। इसके अंदर फ्रॉग का एग्जांपल आप देख सकते हैं, वो उसके पास लंग्स भी होते हैं और गिल्स भी होते हैं। हार्ट 3 चैम्बर्ड है, ठीक है जी, और डेवलपमेंट है वो कैसी होगी, इनडायरेक्ट होगी, मतलब कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जाइगोट बनेगा और उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से सीधा फीटस या बेबी नहीं बन रहा है, बीच में टेडपोल स्टेज आ रही है। ठीक है, एग्जांपल है सेलमेंडर, फ्रॉग, टेडपोल एंड इस्थायोपिस। चलिए जी अब अगली बात करते हैं। देखो बेटा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जो एक नेक्स्ट जनरेशन बन रही है, ठीक है, जो बेबी फॉर्म हो रहा है वो एकदम से फुली डेवलप्ड बेबी जो है वो नहीं फॉर्म होगा, एक सेकेंडरी स्टेज आएगी बीच में। ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एक हमारे पास टेडपोल स्टेज आएगी, टेडपोल के बाद फिर अडल्ट फॉर्म आएगी, जो मेटामॉर्फोसिस में हमने देखा था, इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस भी होती है। चलिए जी अब नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबिया, सेलामेंडर, ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स जो होते हैं, ठीक है जी, ये ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है जी, ये कंप्लीटली जमीन पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं और ये पोइकिलो थर्म्स होते हैं, डेट मीन्स कोल्ड ब्लडेड होंगे। बॉडी जो है इनकी स्केल्स के साथ कवर्ड होती है, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगी इनकी, हार्ट जो है वो इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड है, ठीक है जी, 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है इनके अंदर प्रेजेंट होता है। सिर्फ क्रोकोडाइल एक इस तरह का है हमारे पास रेप्टाइल जिसका हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड है, बाकी सभी रेप्टाइल्स का 4 चैम्बर्ड हार्ट होने वाला है। जो एक्सक्रीशन है इनकी, ये फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स यूरिन जो है वो क्या करते हैं, एक्सपेल आउट करते हैं, उसी तरह से ये यूरिकोटेलिक हैं,
ठीक है जी, यूरिकोटेलिक है, दैट मींस के ये यूरिक एसिड जो है एक्सपेल आउट करेंगे, यूरिक एसिड एक्सपेल आउट करेंगे। उसके बाद ब्रेन जो है ये वेल डेवलप्ड है इनका, विद 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अब इनके अंदर नर्व्स भी प्रेजेंट है, ठीक है, जो न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो वो प्रेजेंट है, वो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है इनके अंदर। ठीक है जी, ये आपने 10th में देखा है बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो तरह के नर्व्स होते हैं, एक होते हैं क्रेनियल नर्व्स, एक होते हैं स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से राइज हो रही हैं, क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से राइज हो रही हैं। ठीक है, इनके पास 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। ओविपेरस होते हैं बेटा, ये एगले करते हैं। उसके बाद ये ऑल द एक्सटेंट फॉर्म्स लाइक डायनासोर्स आर इंक्लूडेड इन दिस क्लास। ठीक है जी, मोस्टली ये फॉर्म्स जो है ये एक्सटिंक्ट जो है हो चुके हैं, लेकिन आज भी कौन से फॉर्म्स प्रेजेंट है, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स एक्सेट्रा, ये रेप्टाइल से बिलोंग करते हैं सारे। ठीक है जी, नेक्स्ट थिंग क्रोकोडाइल एंड स्नेक, ये इसके जो है स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है जी, और टर्टल एंड टॉर्टोइस के बीच में डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए, जो हमारे पास टर्टल होता है वो एक्वेटिक रहेगा एंड जो टॉर्टोइस है वो टेरेस्ट्रियल होता है। चलिए जी, नेक्स्ट थिंग अब जो है हमारे पास वो हम कल करेंगे, क्लास एव्स एंड मैमल्स। एव्स एंड मैमल्स जो है वो कल होगा बेटा, आई एम श्योर कि आपको आज का लेक्चर जो है वो कम्प्लीटली क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं।